The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बात करेंगे आज हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में तो आपने सुना होगा, आज हम आपको बताएंगे कि ग्रुप में एक बहुत सारे लोगों को एक साथ इम्यूनिटी दे देना, उसको हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। और इम्यूनिटी देना या इम्यूनिटी हो जाना किसी एक पर्टिकुलर बीमारी से कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है, राइट। और ये फ्लू के लिए भी काम करेगा, ये कोरोना वायरस के लिए भी काम करेगा। और हर्ड इम्यूनिटी, आपने वर्ड तो सुना ही होगा, तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कैसे है और कैसे हमें बचा सकती है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, राइट। और याद रखिए, जैसे फ्लू वायरस के लिए पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ आपसे कहते हैं कि जितने भी छः और सिक्स मंथ्स के ऊपर लोग हैं उनको वैक्सीनेट कराओ। उसका रीज़न है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होते हैं उससे क्या होता है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाते उनको बचाव मिलता है। कैसे ना, हर्ड इम्यूनिटी क्या है और कैसे वो कोरोना वायरस से बचा सकती है, मगर क्या वो आज बचा सकती है या वो आगे चल के बचाएगी, ये हमें समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी, होता क्या है, जब बहुत सारे लोग एक ही एरिया में किसी बीमारी से वैक्सीनेट हो जाते हैं, या इम्यून हो जाते हैं, तब क्या होता है। जब बहुत सारे लोग, देखिए, एक फ्लू जैसी बीमारी ले लो, एक कोरोना वायरस जैसी बीमारी ले लो, एक टाइफॉइड जैसी बीमारी ले लो, ऐसी ये बीमारियां हैं। फ्लू जिसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन ऑलरेडी है, कोरोना वायरस जिसका वैक्सीन अभी बन रहा है, बन के टेस्टिंग में है, बनने में इसमें महीनों लगेंगे, हो सकता है साल लग जाएं। लेकिन अगर वैक्सीन हमारे पास में जिन जिन का है, वो वैक्सीन लोगों को देने से बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लो एक मोहल्ला है, एक एरिया है जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों में किन किन को वैक्सीन लग सकती है, जो 6 महीने के ऊपर है उनको वैक्सीन लग सकती है। फ्लू वैक्सीन का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, तो 6 महीने के ऊपर वाले सारे लोगों को वैक्सीन लग सकती है, मगर सब लगाएंगे क्या, ज़रूरी नहीं है, कई लोग होंगे जो नहीं लगाएंगे। 6 महीने के नीचे बच्चे, उस 100 लोगों में मान लीजिए 10 छोटे छोटे 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 5, इतने ज़्यादा तो नहीं होते, 5 होंगे, तो 10, 5 से 10 होंगे। अब वो क्या जाता है, जब इस 90-95 लोग, अगर पूरे के पूरे लोग वैक्सीनेट लगा देंगे तो क्या होगा, जब फ्लू आएगा वहाँ पे, तो फ्लू से उस 90-95 में से कई सारे लोगों को बीमारी होगी ही नहीं, और अगर होगी भी फ्लू तो बहुत नाम मात्र होगी, बहुत कम होगी, बहुत अनलाइकली होगा कि वो एक से दूसरे को फैलाएंगे। और पर्सन टू पर्सन जब वो नहीं फैलेगा तो आपके जो छोटे बच्चे हैं घर में उन तक ये वायरस पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी को कहते हैं हर्ड, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास, इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी इस कोरोना वायरस पे इतनी ज़ोरदार तरीके से काम नहीं कर सकती। मगर एक और पॉइंट है इसमें, जब हम किसी बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, क्यों चाइना बच गया है अब, उसका कारण समझो। जब हम किसी बीमारी से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उस इन्फेक्शन के बाद जब हम अपनी इम्यूनिटी उससे हमें हील कर देती है, तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। कुछ केस में ये इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म की होती है, कुछ केस में लॉन्ग टर्म की होती है। कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं कि इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप का मतलब क्या पहले समझो, यानी अगर एक बार आपके अंदर कोरोना वायरस आया, आप उससे ठीक हो गए, आप क्योर हो गए, तो आपके अंदर दोबारा अगर वही वायरस आएगा तो आप उसको जल्दी से मार दोगे, आप उससे बीमार नहीं होगे, बहुत ज़्यादा बीमार तो कतई भी नहीं होगे। ऐसा नहीं कि आपके अंदर घुस ही नहीं सकता, मैंने ऑलरेडी एक री इन्फेक्शन वाले वीडियो में बताया था, अगर डबल वायरल ओवरलोड भी आ जाए अगली बार, वायरस ओवरलोड, तो वायरस लोड को भी आप जल्दी ठीक कर पाओगे, आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
लेकिन इसमें एक किंतु परंतु है, क्या आप जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस का चालू हुआ है चक्कर, इन 3 महीनों में दिसंबर से लेकर अब तक दो बार कोरोना वायरस म्यूटेट हो चुका है। जी हां, कोरोना वायरस दो बार म्यूटेट उसके एस और सी स्ट्रेन बताए जाते हैं कि ऑलरेडी मौजूद है, और यह बिल्कुल पॉसिबल है कि कोरोना वायरस फिर एक बार म्यूटेट हो जाए। इसका क्या इंपॉर्टेंस? अगर आपके अंदर कोई एक स्ट्रेन एस स्ट्रेन कोरोना वायरस आया था, आप उससे ठीक हो गए, दोबारा एस स्ट्रेन कोरोना वायरस आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वो एस अगर म्यूटेट होके वो पी बन गया तो फिर पी आपको पागल बना सकता है, मतलब आपकी फिर से वो ऐसी तैसी कर सकता है। और इसी वजह से देर आर चांसेस कि चाइना में एक और वेव आ सकती है इसी वायरस की फिर से, और हो सकता है आपकी बार ये और भी ज्यादा डेंजरस हो, बिल्कुल जैसे जो आपका स्वाइन फ्लू या H1N1 के टाइम पे हुआ था। जो स्वाइन फ्लू H1N1 या फिर स्पैनिश फ्लू के टाइम पे एक वेव खत्म होने के बाद एक और वेव आई थी, वो वायरस म्यूटेशन के वजह से आई थी। तो इसीलिए हर्ड इम्यूनिटी चाइना के पास आज है उस वायरस के स्ट्रेन से जो फैल चुकी है, जो बहुत सारे लोगों को हो गया, बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी आ गई, तो अब बहुत सारे लोगों को वायरस वही वाला स्ट्रेन अफेक्ट नहीं कर रहा, तो वो फैला नहीं रहे, तो फिर वहाँ नए केस नहीं आ रहे। यही चीज हो सकती है अगर वहाँ सबको इम्यूनाइज कर दिया जाता। अगर हम आपको इम्यूनाइज कर पाते इसी साल तो हर्ड इम्यूनिटी दे पाते, लेकिन इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन है नहीं, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी इस बार नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंडिया के अंदर सब लोग कोरोना वायरस के लिए अपनी इम्यूनिटी को तैयार कर लें, सब लोग अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर ले, वो कैसे? आपने घर में बैठ के एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छी नींद लेनी है, खूब सारा पानी पीना है, खूब सारा वजन थोड़ा सा कम करना है, पॉजिटिव सोचना है, अदरक ज़्यादा खाना है, हल्दी ज़्यादा खानी है, लहसुन वसन खाइए, अदरक, एवरी स्पाइस इन योर फैमिली। इंडिया में सबसे अच्छी बात है ये, खाना पका के तड़का मार के खाते हो, उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्पाइसेस हैं। जिंक ले लो, जिंक की कैप्सूल, जिंक की टैबलेट या जिंक बेस्ड कोई भी मल्टीविटामिन एक रोज खा लो। विटामिन सी ले लो, विटामिन सी एक रोज खा लो, या फिर कोई भी मौसम्बी का जूस पी लो, या व्हाटएवर एक वो खा लो, संतरा, ऑरेंज, व्हाटएवर यू हैव। सो एक चीज से नहीं होगा, ये सारी चीजों से होगा। स्मोकिंग अल्कोहल बंद करो, यानी कि घर में बैठ के दारू पी रहे हैं, अगर सब करेंगे तो जिस जिसको होगा भी तो वो बीमार नहीं होगा तो दूसरों को फैलाएगा नहीं आगे चल के। लेकिन इन 14 दिनों में, इन 15 दिनों में, इन 21 दिनों में अगर आप सब में ये, क्योंकि आज अगर आपको खुला छोड़ दिया तो 14 दिन के अंदर अंदर होगा क्या, आपके अंदर वायरस जाएगा, आप बीमार होंगे नहीं, मे बी आप हेल्दी हो, लेकिन आप हजारों को दे दोगे बाहर घूम के, आप हजारों को दे दोगे, उस हजार में से हो सकता है 90% बीमार ना हो, लेकिन वो 10% यानी कि 100 लोग मर जाएंगे, 100 लोग खतरनाक बीमार हो सकते हैं, उसमें से कुछ 3% मर जाएंगे, आपको पता उसका डेथ रेट क्या है। सो इसीलिए ये सब किया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आ सकती है अगर आप 21 दिन सही तरीके से घर पे रह गए और अपने अपने सिम्टम्स को मैनेज कर गए। आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बहुत आसान है, खूब सारा पानी पियो, खूब सारा रेस्ट करो, बुखार के लिए बुखार नापते रहो, बुखार रोज का नापो, मॉनिटर करो, बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर से फोन पे बात करो, डॉक्टर के पास जाओ, बुखार नहीं बढ़ रहा, यू आर गुड, राइट। सर्दी हो रही है, एंटी हिस्टामिन्स कोई ले लो, खांसी हो रही है, खांसी के लिए अदरक शहद ले लो, या फिर हनी टस ले लो, या ग्रिलिंग टस ले लो, या स्टीम ले लो, या गर्म पानी के गरारे कर लो, या बीटाडीन के गरारे कर लो, बहुत कुछ है करने को। सो बहुत इजी है अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाना, बहुत इजी है प्रोटेक्ट करना अपने आप को, उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। इस 21 दिनों में अगर आप ये कर लोगे, इन 21 दिनों में अगर आपने अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर ली, तो पूरी इंडिया को हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी बिना वैक्सीन के। जी हाँ, वैक्सीन नहीं है इंडिया में, बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी मिल जाएगी, मतलब जहां जहां वायरस है वहीं थम जाएगा, वायरस आगे नहीं बढ़ेगा, फिर भी केसेस आएंगे, इक्के दुक्के आएंगे, ज्यादा आ सकते हैं अगर फॉलो नहीं किया और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स बाहर निकलते रहे। सो अपनी जिम्मेदारी दिखाइए, एक बार बाहर जाइए, जो सामान लेना है ले लीजिए, 25 बार मत जाइए, सब्जी भाजी नहीं खाएंगे चल जाएगा, दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, रोज की सब्जी लेने मत जाइए, हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार सब्जी लीजिए, दूध भी दो दो दिन का उठाइए, प्लीज
प्लीज ये मैसेज आगे आगे जितना हो सके फैलाइए। हर्ड इम्यूनिटी सिंपल नहीं है, इसको प्रिंसिपली आपको वायरस आपके अंदर जाना होता है, तो वायरस आपके अंदर हो सकता है कईयों के अंदर ना ही जाए तो अच्छा, लेकिन जिनके अंदर जाएगा वो भी जब बच जाएगा इस 14-21 दिन में, तो वो इनडायरेक्टली दुनिया के कई सारे बुजुर्गों को बचाएगा। सो आप एक हीरो बन सकते हैं, आप अपने तरफ से ये जरूर कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो।